छठवें चरण में जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, और वही जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि सहारनपुर से कैसे धीरे धीरे आते हुए और खास करके लखनऊ के बाद तो समीकरण बदलने लगता है, वो जातीय समीकरण के लिहाज से अभी के लिहाज से भाजपा के पक्ष में होता जाता है। और एक बात जो सवर्ण मतदाता बहुत ज़्यादा है उसमें भी खास करके ब्राह्मण जो सबसे बड़ा जातीय समूह है उत्तर प्रदेश का, उनकी संख्या इसी पूरब के इलाके में बहुत ज़्यादा घनी है, बहुत सघन आबादी यहाँ है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर दूसरी तीसरी सीट पर उनकी इतनी संख्या है कि वो अगर एक तरफ कहीं चले जाएँ तो प्रत्याशी जिताने हराने की स्थिति में होते हैं। तो सुल्तानपुर प्रतापगढ़ के बारे में मैंने बताया, और फूलपुर इलाहाबाद, फूलपुर में पटेलों का इतना वर्चस्व है, हालांकि इस पर भी ब्राह्मण बहुत ज़्यादा है लेकिन पटेल सबसे ज़्यादा है, तो उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि अगर वो किसी भी एक तरफ चले जाते हैं तो जीत जाते हैं। और पटेल, यादव और मुसलमान, ये मिलाकर ही समाजवादी पार्टी का इस पर 4 बार से ज़्यादा कब्जा रहा है लगातार, और फिर उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी जीत गई थी। तो अब उससे आगे बढ़ते हैं, इलाहाबाद फूलपुर के बाद जो प्रयागराज जिले के बाद अब भदोही, तो भदोही कालीन नगरी, और भदोही के बारे में एक ज़रूरी बात अभी कहनी है कि ठीक है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल की लोकसभा सीट है, लेकिन भाजपा के लिए संकट कितना बड़ा है कि जो प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह मस्त थे उनका टिकट भी नहीं काटना था लेकिन टिकट काटना भी था क्योंकि जनता यहाँ नाराज थी, तो उनको बलिया भेज दिया गया और बलिया के भरत सिंह का टिकट काट दिया गया। तो वीरेंद्र सिंह मस्त चले गए, वैसे वो रहने वाले बलिया के ही हैं वीरेंद्र सिंह मस्त, लेकिन अब वहाँ उनका वो प्रभाव, उनका वो है, वो पता नहीं कितना असर करेंगे, लेकिन वो वहाँ भेज दिए गए हैं। और यहाँ पर इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने रमेश बिंद को प्रत्याशी उतारा है। अब यहाँ एक चीज़ ये समझिए कि इस लोकसभा सीट पर भी ब्राह्मणों का वर्चस्व है, और एक तरह से लड़ाई पूरी ब्राह्मणों के बीच में ही चलती है, और यहाँ से निषाद पार्टी से जीते थे और फिर बाद में निर्दल विधायक के तौर पर हो गए, चूँकि राज्यसभा में भाजपा को वोट कर दिया था, तो वो विजय मिश्रा, हालांकि उन्होंने भी भाजपा को समर्थन कर दिया है तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन रमेश बिंद जो यहाँ भाजपा से प्रत्याशी हैं उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि जनेऊ देखकर मैं ब्राह्मणों को मारता हूँ, तो ये एक प्रतिक्रिया है और उसको खूब फैलाने की कोशिश की रंगनाथ मिश्रा ने, जो बहुजन समाज पार्टी से यहाँ प्रत्याशी हैं, तो कुल मिला के गठबंधन की तरफ से वो लड़ रहे हैं। और इस सीट पर एक और चीज़ है कि जो आजमगढ़ में रमाकांत यादव नाम आपने सुना होगा, तो वो भी बड़े बाहुबली थे, तो पहले सपा में थे फिर भाजपा में आए, और अभी इस बार भाजपा ने उनका टिकट काट दिया, तो वो आजमगढ़ से आकर भदोही और भदोही से कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ अखिलेश ने बिना नाम लिए रमाकांत यादव के बारे में बहुत कुछ कहा था कि यादवों को सावधान रहना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। मोदी जी ने यहाँ की रैली में कह दिया कि संत रविदास नगर किया था और बुआ ने और बबुआ ने फिर से पलट दिया, तो मायावती ने भी उसका जवाब दिया। तो बहुत ढेर सारी चीज़ें इस सीट पर इस तरह की चल रही हैं, और चूंकि 2008 के परिसीमन के बाद यहाँ, हालांकि एक चीज़ है कि जो रमेश बिंद भाजपा प्रत्याशी हैं उन्होंने कहा कि वो उस वीडियो में आवाज़ नहीं है, उन्होंने ब्राह्मणों से माफ़ी भी मांगी और उन्होंने कहा कि वो मेरी आवाज़ नहीं है, उसको एडिट किया गया है, वो अपशब्द डाले गए हैं। तो अब देखिए ये कौन सा वाला ज़्यादा असर करता है, या प्रधानमंत्री चले गए हैं तो उनका असर ज़्यादा करेगा। तो 2009 में पहली बार इस लोकसभा सीट पर चुनाव हुआ था परिसीमन के बाद, तो गोरखनाथ पांडे बसपा के ही टिकट पर वो जीते थे, और 2014 में वीरेंद्र सिंह मस्त जीते थे। 2014 में यहाँ मतदान का प्रतिशत जो था वो 54% और वीरेंद्र सिंह मस्त को उसमें से 41% से ज़्यादा, 4 लाख से कुछ ज़्यादा मत मिल गए थे, और यहाँ दूसरे स्थान पर रहे थे बहुजन समाज पार्टी के राकेश धर त्रिपाठी और तीसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी की सीमा मिश्रा। तो अब आप समझिए, और राकेश धर त्रिपाठी और विजय मिश्रा के पारिवारिक दुश्मनी जो है वो हंडिया से लेकर भदोही तक हर कोई जानता है, उसमें राकेश धर त्रिपाठी के भाई की हत्या भी हो चुकी है और कई ऐसी घटनाएं हैं, तो वो इस इलाके में हैं। तो कुल मिला के अब जो स्थितियां हैं वो थोड़ा सा अलग हैं, कहें कि मोदी का मैजिक काम करेगा, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ठीक बनारस के बगल की सीट है। अच्छा, भदोही चुना ही इसलिए था कि उससे फूलपुर, मिर्जापुर और भदोही तीनों लोकसभा का वो कर दिया जाए। अच्छा, एक और चीज़ है कि यहाँ जितने प्रत्याशी हैं वो सब के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो अब जैसे बांदा में था कि सब दल बदलू, तो वैसे ही यहाँ सब के सब अपराधी हैं, हालांकि बहुत सी ऐसी सीटें हैं जिसपे सब अपराधी हैं। तो अब देखिए कि यहाँ की जनता किस तरह से फैसला लेती है और कम अपराधी, थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर, कैसे वो तय करती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ का समीकरण जिस तरह का है उसमें गठबंधन और भाजपा के बीच बहुत कांटे की टक्कर है, रमेश बिंद और जो रंगनाथ मिश्रा हैं बहुजन समाज पार्टी के।